देते हैं व्हाट इज द परफेक्ट वे टू रिवाइज, यानी फिजिक्स का रिवीजन। देखिए एक तरह से हर सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट थियोरेटिकल है, कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ दोनों ही है, तो हर सब्जेक्ट को अपने हिसाब से रिविजन चाहिए। तो फिजिक्स का जो परफेक्ट वाला रिविजन है वो ऐसा है कि सबसे पहले आप फॉर्मूलाज को लाइक रट्टा मार ले, आपको ऐसे याद होना चाहिए फॉर्मूलाज, ताकि आप जब कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने बैठे तो आप फॉर्मूला ही याद करने में आप एक मिनट ना लगा दे। तो सबसे पहले फॉर्मूलाज को मगअप कर ले। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब फिजिक्स की बात आती है तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सीधे रास्ते की तरह है, जरा भी ये नहीं रही तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स के जैसे कि कॉन्सेप्ट्स है, मैकेनिक्स से हम ले ले, ऑप्टिक्स से ले ले, थर्मोडायनेमिक्स से ले ले, इनके कॉन्सेप्ट्स यानी ये इनके लॉज क्या कहते हैं, इनके लॉज कैसे अप्लाई होते हैं, न्यूटन लॉ के एप्लीकेशंस क्या है, ये आपको मालूम नहीं होगा तो आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आपको वो स्टेप्स मालूम होने जरूरी है, आपको वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा वो मालूम होना जरूरी है, जिसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो होनी जरूरी है। नेक्स्ट यही होगा, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते फिजिक्स के लिए, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने PYQs उठाए और आप एक 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 सॉल्व करते जा रहे हैं, सॉल्व करना समझते जा रहे हैं। तो सॉल्व करना समझने से क्या लेना देना है आपका, जब आपको वो एग्जाम में नहीं आएगा, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आपको खुद से वो करना होता है, आप ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की PYQ बुक ली और उसको रीड करते हुए अच्छा इसको ऐसा करते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको ऐसे करना नहीं होता, आपको उसको प्रॉपर तरीका मालूम होना चाहिए, वरना आप बिल्कुल भी उसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा फोकस करिए, मैं नहीं सारे एजुकेटर्स कोचर्स सब यही कहेंगे। नेक्स्ट है एक्टिव रिवीजन और रिकॉल। अब क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अब उसमें ये टेक्निक अप्लाई करें तभी वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से याद रहेगी। इसी तरह से इसके बाद आता है, आप ये चीजों को करने के बाद करेंगे प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि अब डिसाइड किया कि रिवीजन करना है, PYQ बुक ली और आप बस देख रहे हैं जो मिला वो सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है।